हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले आपको लिंक देंगे जहां से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाले हैं उनका हॉल टिकट जारी कर दिया गया है, लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा, हम एक लिंक देंगे उस पर क्लिक करना है और आपको कैसे हॉल टिकट डाउनलोड करना है उसका आप पूरा प्रोसेस बताएंगे। जैसे ही आप हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास उसमें फ़ोटो नहीं है तो उस पर आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ लगाना है और उसको प्रिंट करके अपने आईडी कार्ड के साथ आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में जाना है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। कई बार किसका सिस्टम में जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है उनका जो है फ़ोटोग्राफ्स आ जाएगा, उनको अपने हॉल टिकट पर फ़ोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो सब मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान, यहाँ पे मिलती है एक दूसरे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले जो है इग्नू की अपडेट मिल सके। और हमने MBA, BCom, BSc, MBA सभी की ऑनलाइन क्लासेस धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड। सबसे पहले हॉल टिकट के लिए आपको लिंक पे दिए हुए लिंक टू दी हॉल टिकट दिसंबर 2020 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसे आ जाएगा, इसमें यहाँ पे अपने रोल नंबर, यहाँ पे अपना प्रोग्राम करके जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास ऐसे एक हॉल टिकट आ जाएगा। हॉल टिकट आने के बाद इसमें एक आपके ऊपर कंट्रोल नंबर आएगा, फिर आपका नाम आएगा, फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का पूरा एड्रेस आएगा और आपका एग्ज़ाम किस दिन है वो पूरा डिटेल आ जाएगा। और ये जो फोटोग्राफ्स लिखा है यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं किया, ऑफलाइन फिलअप किया था तो। और नीचे आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि एग्जामिनेशन जो है 10 से 1 के बीच में और 2 से 5 के बीच में होगा। आपको वैलिड आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, ठीक है, अदरवाइज आपको उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का आपको प्रॉपर पालन करना है, गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग की जो हाइजीन एंड सैनिटेशन की बात है और जो अपना जो हैंड वॉश की बात है वो प्रॉपर को उसको फॉलो करना है COVID-19 की सारी सिनेरियो को, ठीक है। और कुछ चीज़ों के बारे में MCQ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं BDP के, जैसे BSHF और FST-01, ठीक है, तो उनका देखना है कि आपका कौन से चीज़ के जो डिग्री के जो CBCS में जो है आपका कौन, जैसे बी ये इन्वायरमेंट वाला कोड है वो सब क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQ होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कौन से MCQ होगा, कौन सा कैसे होगा, उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एक कॉमेंट कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ, आप सभी ठीक होंगे, थैंक यू।